भक्तो आज आधी रात का वक्त है, भगवान कन्हैया अपने शयन कक्ष में है, पत्र को लिख रहे हैं नंद बाबा के लिए। और उद्धव से कहा, हे उद्धव, ये पत्र ले जा करके तुम हमारे बाबा नंद जी को दे देना, और वहां से जाकर के कहना कि तुम्हारा कन्हैया लौट करके जल्दी आ रहा है, तुम्हारा कन्हैया वापस आएगा। उसे वक्त तो लग ही गया है, तुम्हें भूले नहीं है। मेरी माँ, मेरी माँ को तुम धैर्य धारण बना देना, क्योंकि मेरी माँ धीर नहीं धर रही और अपनी काली कमलियां भी दे दी है, अपना रथ दे दिया कि जाओ उद्धव, तुम्हें सभी वृंदावनवासी पहचान ले गए कि ये कन्हैया का रथ है। आज भक्तों उस रथ को उद्धव जी लेकर के चल दिए। आज उधर रथ लेकर के चल दिए हैं, धीरे धीरे रथ लेके चले और वृंदावन की शीतल घट पर पानी भर रही है, किसी ने तो घड़ा को उठा लिया है तो घर जाने का ध्यान नहीं है, किसी ने उस रस्सी को कुएं में लटका दिया है तो खींचने का ध्यान नहीं है, किसी को पानी भरने का ध्यान नहीं है,
भगवान कन्हैया की याद में भूल गई है कि हमारा कन्हैया कब लौटे। भगवान कन्हैया की याद में सब कुछ भूल गई है और ये दृश्य उद्धव जाकर के देख रहे हैं। उद्धव ने ये दृश्य देखा है कि दूर से पनिहारी जल को भर रही है, किसी ने मटकी को सर पर रख लिया है तो घर जाने का ध्यान नहीं है, और किसी ने रस्सी को कुएं में लटका दिया है तो खींचने का ध्यान नहीं है। ये दृश्य देख रहे हैं।